दक्षिण नागपुर के पूर्व विधायक सुधाकर कोले के पर धीरे धीरे कम करने का काम पार्टी की ओर से किया जा रहा है। किसी भी प्रोग्राम में उनका नाम का जिक्र ना करना या लोकार्पण समारोह में पत्रिका में उनका नाम नहीं डालना और ना ही उन्हें किसी प्रोग्राम में अब बुलाया जाता है। इस बात से सुकर कोले काफी आहत हुए। इस बारे में उन्होंने हमारे संवाददाता संजय मेरे इनसे बातचीत की। आइए देखते हैं दक्षिण नागपुर हुए पूर्व विधायक सुधाकर कोले की जुबानी। कहते हैं कि देश के राजनीति में भी भूचाल आता है और भूचाल तब आता है जब किसी संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे उम्दा कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं मगर समय चलते ही उनको चाय में मक्खी जैसी गिर जाती है, अलग किया जाता है, ठीक उसी जैसे उन्हें भी निकाल के बाहर किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। एक ऐसी ही बात दक्षिण नागपुर के पूर्व विधायक सुधाकर कोले इनके साथ में हुई है। वे इस समय में हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना है और उन्हें दिन ब दिन हर प्रोग्राम को लेकर हर बात को लेकर क्यों दरकिनार कर दिया जाता है। बोले साहब ये बताए कि जिस तरह से आज आप जो पूर्व विधायक थे और विधायक के कई कामकाज आपने किया है, काफी लोगों से जनसंपर्क आपने किया है, इतना होने के बावजूद भी जिस तरह से जो लोकार्पण 16 जो हुआ, क्योंकि अजनी से लेके वो जो एक ब्रिज के बारे में जो लोकार्पण हुआ है मिसिंग लिंक का, क्या कहना चाहोगे? आपको क्यों नहीं बुलाया गया, ये मेरा सवाल है। क्यों नहीं बुलाया गया, ये तो जिसने वो पत्रिका तैयार किया और जो लीड कर रहा है दक्षिण नागपुर को, उसे के मन की बात है। सारी जनता जानती है कि मिसिंग लिंक के बारे में 25 साल से अनेक राजनीतियों ने वहाँ आश्वासन दिए थे, बहुत बार प्रयास किया गया था। विलास मुत्तेमोहन जी हो, अशोक धौड़ साहब हो, अशोक जी वाड़ी बस में हो, सारे आमदार उस समय के सारे विधायकों ने काफ़ी प्रयास किया था। लेकिन जब मैं विधायक बना और मैंने आपके सबके आशीर्वाद से माननीय नितिन जी केंद्रीय मंत्री बने, तो मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन जी को बोला कि कुछ भी एक भी काम नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन 25 साल से नागपुर दक्षिण नागपुर की जनता जिस तरह यहाँ परेशानी में है तो हमें कोई भी करके ये पुल अभी करना है, क्योंकि आज बहुत ही ताकतवर मंत्री करके आप केंद्र में, आप अभी करोगे तो होगा। मुझे एक बताने में खुशी हो रही कि माननीय नितिन जी ने कम से कम नागपुर में 6 बार मीटिंग ली, केंद्र में दिल्ली में पीयूष जी गोयल जो रेलवे मंत्री थे, रेल मंत्री थे, उनके साथ कम से कम 4-5 बार दिल्ली में मीटिंग हुई। वो वहाँ की जो स्कूल है केंद्रीय स्कूल, उन्होंने काफ़ी तकलीफ दी, NMC का भी सहारा लिया और हमने काफ़ी प्रयास किया। मैं 2 साल उनके काफ़ी पीछे पड़ा रहा और उनके पीछे पड़कर और नितिन जी ने 20 करोड़ रुपए CRF फंड से उनके मंत्रालय से देने के बाद वो पुलिया का 8-10 हज़ार दक्षिण नागपुर के नागरिकों के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उसका भूमि पूजन किया गया। तत्पश्चात चुनाव आए विधानसभा में, ठीक है, मेरे को टिकट नहीं दी गई और जो आज के विधायक उनको टिकट दिए हमने, वो सबने मिलकर उनका काम किया। वो संगठन प्रमुख है, संगठन का मैं सिपाही हूँ, तो संगठन के आदेश के अनुसार मैंने स्वयं जाके उनके सभा में उनको मत मांगने के लिए लोगों से अपील की। लेकिन 6 महीने से जो देख रहा हूँ, कोई मीटिंग में नहीं बुलाना, जहाँ दक्षिण में कोई मीटिंग हो वहाँ नहीं बुलाना, कार्यकर्ताओं से जो कार्यकर्ता मेरे संपर्क में उनको संगठन से बाहर कर देना, बहुत सारी जो आज मैं कुछ बातें यहाँ बता नहीं सकता। मैंने सोचा चलो 1-1.5 साल बाद ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। मैंने शहर अध्यक्ष के कान पर ये तकरार डाली, मुझे लगा कि चलो शहर अध्यक्ष को ये लोग मानते नहीं होंगे, तो हमारे विदर्भ के संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोटेकर जी से 2 बार बात की, उसके बाद भी दुरुस्ती नहीं है, तो विदर्भ के प्रभारी और हमारे महामंत्री माननीय नामदार चंद्रशेखर बावनकुड़े जी से बात की, उसके बाद भी उसमें बदलाव नहीं आया। गत साल भर से चल रहा, तो मैंने माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की कि पक्ष प्राइवेट लिमिटेड के रूप में चलेगा, पक्ष में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान होगा कि नहीं, कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा कि नहीं, हाँ, ये सारी बातें मैंने इन नेताओं के कान पर डाली। लेकिन इसके बावजूद जिस पुलिया के लिए मैंने जान लगा दी थी,
जिसके कारण मेरा दक्षिण नागपुर का बहुत बड़ा काम हुआ। मेरी जनता, दक्षिण नागपुर की जनता, जनता मेरे पर काफी प्रेम प्यार करती है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा था उस कार्यक्रम की, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण नागपुर की पत्रिका तैयार हुई और पूर्व विधायक करके सादा नाम भी नहीं डाला गया, जाहिरात दी पेपर में तो उसमें भी नाम नहीं डाला गया। तो मुझे लगता है ये तो ना इंसान ही है काम करने वाले से। अरे हम, मैं 96 से काम कर रहा हूँ, 94-96 से भारतीय जनता पार्टी। एक समय ऐसा था साहब कि जब मैं तिरंगा चौक में रहता था तो 4-5-6 लोग, गिने चुने लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे। मैं नंदनवन से लेके इस जानकी नगर तक हर एरिया में किराए से रहते रहते पार्टी को बढ़ाते बढ़ाते पार्टी में युवा मोर्चा से लेके शहर अध्यक्ष तक काम किया। मेरे, मैं शहर अध्यक्ष रहते हुए 108 नगर संघ चुन के आए, यानी मैंने कभी आदमी पे प्यार नहीं किया। मैंने बोला संगठन पहले, इस विषय पर मैंने ध्यान दिया। मेरे रहते पूरा नागपुर शहर में मेरा संपर्क था, मेरा दक्षिण नागपुर में संपर्क था। और आज ये परिस्थिति कि मेरे मेहनत से, कि मेरे ने जनता की ताकत से, आशीर्वाद से किए गए पुल का उद्घाटन में आपने मुझे, मेरा मुझे शादी पत्रिका देने की, बुलाने का, नाम डालने का भी आपने आपका दिल बड़ा नहीं, तो आप कैसा संगठन चलाओगे, कैसी पार्टी बढ़ेगी। और इसलिए मैंने नाराजगी व्यक्त की, खेद व्यक्त किया। और घोड़े साहब ये बताइए कि जिस तरह से ये जो कामकाज हुआ है, क्या आपको लगता है कि पार्टी जिस दिशा में काम कर रही थी, क्योंकि पार्टी, कोई भी पार्टी जब संगठन मजबूत होता है तब वो पार्टी बढ़ती है, मगर दिन ब दिन ये जो कामकाज पार्टी की ओर से हो रही है, कहीं ना कहीं संगठन को, क्या ये संगठन की मजबूती कहेंगे या और कुछ? मुझे तो पहले हम लोग संगठन को परिवार समझते थे, ये हमारे संगठन का हर एक जो सदस्य रहता वो हमारे परिवार का सदस्य रहता। आज तो मुझे सब परिवार कहाँ है, संगठन कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चलता, कैसे यानी किस ढंग से संगठन चल रहा है। मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है, 6-6 महीने, 7-7 महीने, 7-7 मेरे जैसे लोगों से की राय नहीं ली जाती, चर्चा नहीं होती। बोला एक आधे शहर के एक आधे मीटिंग में बुला लिया कि तुम्हारा काम हो गया है, ऐसा है तो जरूरत है नहीं है ये भी सोचना पड़ेगा। ये लगता है ऐसा, ऐसे संस्कार भी नहीं भारतीय जनता पार्टी में। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख कार्यकर्ता के रूप से काम कर रहा हूँ, ऐसे संस्कार भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सर आप ये बताइए, जब आपने वरिष्ठों को इसके बारे में जब जानकारी दी, तो वरिष्ठों ने क्या काम किया, उन्होंने क्या क्या बात की? उन्होंने तो बताया मैं ख्याल दूंगा करके, कौन सा ख्याल दिया तो मेरे को क्या पता, ये तो देखने को अभी मिला। अरे हम तो, मैं तो सद्य अटल जी का फॉलोअर हूँ। उन्होंने बड़े सुंदर दो लाइनें कही है कि छोटे टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और ऐसा है ना कुछ, छोटे मन से कोई और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ दो लाइनें हैं, मेरे को अभी याद नहीं है। लेकिन ये तो विचार है नीति अटल जी के, ये तो विचार मन में लाकर ही संगठन चलाते हैं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ये जो लाइन है अटल जी ने दी है, ये तो संगठन का आत्मा है। बिल्कुल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से ये जो बात रखी थी और ये जो नींव रखी थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक मजबूत भी हुई थी, मजबूत है, लेकिन जिस तरह से ये जो कामकाज हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं पार्टी की एक छवि खराब हो रही है। पूरे राज्य में ये मसला गूंज रहा है, हर पार्टी के लोग इसकी मजाक भी उड़ा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के जो बड़े अधिकारी है, पदाधिकारी है, मंत्री है, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह की जो कामकाज हो रहे हैं इसके ऊपर में रोकथाम लगाना है या फिर ढाक के 3-5 जैसे ही काम करना है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पार्टी को मजबूत करना होगा तो किसी भी कार्यकर्ता को दूर करना ये बराबर बात नहीं होती है, क्योंकि कार्यकर्ता यदि अपने पार्टी का काम नहीं करेगा, पार्टी से एक एक अगर खिसकते चले गए, वो दिन दूर नहीं सिर्फ पार्टी का बैनर रहेगा मगर कार्यकर्ता नहीं। जाते जाते मैं कोहले जी से एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा, आपका ये जो असंतोष जो दिखाई दे रहा है, क्या भविष्य में कोई पार्टी में जाने का मन बना लिया है या किसी पार्टी से ऑफर आई है, क्योंकि राज्य में चर्चा है? मुझे किसी पार्टी से ऑफर आई होंगी, किसी ने मेरे से चर्चा किए होंगी, वो बात अलग है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। ये पार्टी खड़ी करने में मेरे भी काफ़ी 30 साल गए हैं, ये पार्टी में मेरी आत्मा है, मेरा खून है, ये पार्टी के लिए मैंने बहुत कुछ
कर बसा हूं मैं, इसलिए पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पार्टी मेरी है, मैं पार्टी का सदस्य हूँ, नीतीश जी मेरे नेता है, मोदी जी मेरे नेता है, देवेंद्र जी मेरे नेता है, मैं उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। लेकिन पार्टी ने गलत व्यवहार, पार्टी के कुछ लोग जो गलत व्यवहार कर रहे हैं उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। पार्टी के बड़े नेताओं को किसी ना किसी से बात करनी होगी, नहीं तो ये बढ़ जाएंगी, ये गैप बढ़ जाएंगी, तो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में इसका बड़ा फटका मिलेगा। इस पर सीरियसली और तुरंत इस पर विचार होना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर विचार करने की जरूरत है, अहंकार छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने जो बात कही है, इनके बातों से तो एक ही बात झलक के आती है, सामने में आती है कि इन्होंने ये कहा कि अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार ये सब कुछ खा जाता है, अपने आप को भी खा जाता है। ऐसे में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा ये मात्र कुछ दिनों की होती है, मगर लोगों का प्यार ये निरंतर बना रहता है, और लोगों का निरंतर प्यार इन्हीं के साथ है, ऐसा इनका मानना है। और पार्टी से ये वफादार भी है, 30 वर्ष इन्होंने कामकाज किए हैं, मगर आखिरकार पार्टी ने जो ये उनके द्वारा जो कामकाज किए जा रहे हैं किसी के इनके विरोध में, वो कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और एक बात तो है कि ऐसे पार्टी तभी मजबूत होगी जब पार्टी के कार्यकर्ताओं का, चाहे विधायक हो, खासदार हो या आम कार्यकर्ता हो, उसका जब सम्मान होता है तब पार्टी का भी, पार्टी की गरिमा बढ़ती है, पार्टी का नाम रोशन होता है, संगठन मजबूत होता है। अगर ये तभी संभव है जब किसी की तोहिन ना हो, बल्कि उसके आत्मा का सम्मान हो, और सम्मान करना यही भारत की, हिंदुस्तान की संस्कृति है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, NBC News, नागपुर।